Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what is an effective communication. कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे से कैसे होता है. मैं इससे पहले आपके साथ कम्युनिकेशन के मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उनके टाइप शेयर कर चुकी हूँ. मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको चेक करना है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है. आज के टाइम में हर एक पर्सन को कम्युनिकेशन की नेसेसिटी है. कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस मैनेजर को क्या करना पड़ता है, अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को शेयर करना पड़ता है, जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ना कई बार क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं. पर अगर हमारा क्या है, ये वैरी कब करते हैं, अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज दैट सिस्टम जहां पे क्या होता है, कम्युनिकेशन वही सेम मीनिंग कन्वे करता है, वही सेम मैसेज रिसीवर को कन्वे करता है जो मैसेज सेंडर भेजना चाहता है, और वो चेंज नहीं होता चाहे वो कितने भी पर्सन के पास भेजा जाए. अलग अलग स्कॉलर्स ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अलग अलग डेफिनेशन दी है. जनरली इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि जो सेंडर बात बताना चाहता है वो रिसीवर तक सेम वे में पहुंच जाए विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी चेंज. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक कंप्लीट कोर्स है, इसमें हम करेक्ट एलिमेंट्स करते हैं. इसमें साथ साथ हमें क्या लेते हैं, फीडबैक भी लेते रहते हैं रिसीवर से. कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेंडर होता है जो अपना आइडिया सेंड करता है, देन बीच में बहुत सारे इंटरप्शन आ जाते हैं, नॉइस आ जाती है, देन वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है जो रिसीवर उसे डिकोड करता है. सेंडर क्या करता है, अपने मैसेज इनकोड करके भेजता है. तो सेंडर जब मैसेज भेजता है तो उसमें कई बार बीच में नॉइस बैरियर्स या और कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं हो पाती प्रॉपरली, या जो रिसीवर है वो उसे प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाता, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम रिसीवर से फीडबैक लेना पड़ता है ताकि हमें पता चल जाए रिसीवर को उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा. तो KO लॉकर के अकॉर्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिट किया जाता है. इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स आपस में मैसेज शेयर कर रहे हैं, या दो ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस क्या है, इन्फॉर्म करना, पर्सुएड करना और एक अच्छी इमेज बनाना क्लियर करेक्ट रीडर के माइंड में अपने गोल को अचीव कराने के लिए. कम्युनिकेशन के इस डेफिनेशन से हमें पता चला कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मेन फीचर्स, मेन एलिमेंट्स क्या है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है. टू वे प्रोसेस यानी सेंडर मैसेज सेंड करेगा टू द रिसीवर, एंड देन वो क्या करेगा, रिसीवर से फीडबैक लेगा कि उसे मैसेज समझ आया या नहीं. इसलिए टू वे प्रोसेस है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग. इसमें हम इन्फॉर्म करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पर्सुएड करते हैं, या फिर अपनी गुडविल बनाते हैं कि कस्टमर को, रिसीवर को क्या करना पड़ता है, हमें मैसेज भेजना पड़ रहा है. तो हम वे जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, टू वे प्रोसेस है. इन्फॉर्म करते हैं किसी चीज के बारे में, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में नोटिस आता है तो वो इन्फॉर्मेशन का मैसेज है. स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है किसी चीज के बारे में, और कई बार रिक्वेस्ट की जाती है अलग अलग ऑफिस में स्टाफ से किसी के अपॉइंटमेंट के लिए तक, और कंपनीज में गुडविल बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्वालिटी क्या है कि ये क्लियर होना चाहिए, इसमें करेक्ट होना चाहिए, और ये टाइम सेविंग, इतना ज्यादा लेंथी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि किसी चीज को इंक्रीज करा दें. इट हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इससे हम अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट कर सकते हैं. हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तभी बोलेंगे अगर उसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे. आई होप आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.